नाबालिग की हत्या की गुत्थी मऊगंज पुलिस ने 6 साल बाद सुलझाई। 6 साल पहले मऊगंज में एक नाबालिग की मौत हुई थी, वजह थी उसके साथ छेड़छाड़। आरोपी ने बताया उसने पहले छेड़छाड़ करने की कोशिश की, उसमें लड़की ने जब विरोध किया तो तवे से पहले उसको मारा, बाद में उसने लड़की का गला दबाया और आग लगा दी थी। पुलिस ने मामले की जांच की और 6 साल बाद आरोपी को पकड़ने में कामयाबी पाई, जिसका खुलासा आज रीवा के पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस कप्तान ने किया। रीवा के पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस कप्तान ने 6 साल बाद नाबालिग की हत्या का खुलासा करते हुए बताया, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मऊगंज थाने का है मामला। रीवा के पुलिस कंट्रोल में पुलिस कप्तान विवेक सिंह ने 6 जून 2017 आज से 6 साल पहले मऊगंज में एक नाबालिग लड़की की हत्या का खुलासा करते हुए बताया, पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह छेड़छाड़, दुष्कर्म के प्रयास में असफल रहने की वजह से आरोपी ने की थी। आरोपी को शक था लड़की किसी को बता ना दे, जिसके चलते उसने लड़की को पहले रोटी बनाने वाले तवे से मारा, उसके बाद उसकी हत्या करके उसको जला दिया। आरोपी को प्रयास था इस तरीके से दिखना चाहिए जैसे किसी ने जानबूझकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। आरोपी अपने इस चालाकी में कामयाब भी हो गया था, लेकिन 6 साल बाद उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने में सफलता पाई। 6 साल बाद मऊगंज पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता पाई। पुलिस कप्तान के अनुसार SDOP मऊगंज नवीन दुबे के द्वारा 6 जून 2017 में हुई नाबालिग की हत्या, जिसका मामला थाना मऊगंज के अपराध क्रमांक 471/20 धारा 302/221 ताजदारे हिंद के तहत दर्ज किया गया था, उसको सुलझा लिया है। पुलिस ने 6 साल बाद नाबालिग लड़की की अंधी हत्या का खुलासा किया। पुलिस को सूचना मिली थी 6 जून 2017 को गांव के बब्बू सिंह के यहाँ बारात आना था, वह अपने परिवार के साथ वहीं पर काम करने गया था। इसकी तीसरे नंबर की लड़की घर में थी, जो आग लगने से बाद में उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला कायम करते हुए शव पंचनामा कार्रवाई में लिया, बाद में मृतका का पोस्टमार्टम CSC मऊगंज में कराया था। 21 जुलाई 2020 को तत्कालीन थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल के द्वारा समीक्षा के दौरान मृतका के PM रिपोर्ट के आधार पर पाया गया था मृतका की मृत्यु जलने से ना होकर गला घोटने से हुई है। उसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझा, लगातार जांच करने के बाद अंततः पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। सुनिए पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस कप्तान ने क्या कुछ बताया। 6 जून 2017 को थाना मऊगंज के एक नाबालिग बच्ची की बॉडी मिली थी और जो जली हुई थी, और उस टाइम पे मर कायम करके उसको जांच में लिया गया था। 2020 में इसमें मर्ग PM रिपोर्ट के आधार पे धारा 302/201 IPC के अंतर्गत अपराध 471/20 इसमें कायम किया गया था और विवेचना इसमें लगातार की जा रही थी, लेकिन उसमें कोई सफलता तत्समय नहीं मिली थी। इसके बाद साइड आई को देखते हुए फिर एडिशनल SP और SDOP ने इसको विवेचना को अपने उसमें लिया। SDOP ने इसमें बहुत मेहनत करके फिर इसमें और सूझबूझ से अपनी टीम को लगा के इसमें फिर आज खुलासा इसमें हम कर रहे हैं। जो 6 साल पहले जो बॉडी मिली थी उसमें जो मर्डर का आरोपी है वो उसका नाम बब्बू सिंह, पिता स्वर्गीय श्री बुद्धिमान सिंह उर्फ नरेंद्र सिंह भी इसका नाम है, इसने उस बच्ची को उसके घर पे जाके पहले छेड़छाड़ किया। छेड़छाड़ पे जो उसने शोर मचाने के उपरांत उसको पहले एक तवे से मारा, तवे से मारने के बाद फिर उसका गला दबा के उसका हत्या की और फिर उसके बाद बॉडी को जला दी, और ऐसा उसको सीन बनाया कि जैसा लगे कि किसी ने आत्महत्या करने के उद्देश्य से ऐसा किया है, और जिसके आधार पे फिर इस बब्बू सिंह को गिरफ्तार किया गया और जो ये तवा और उसकी मोटरसाइकिल वगैरह जो सीना उसमें गया था उसको जब्त किया गया।
कारण ये था कि बब्बू सिंह ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, और जब बच्ची इसके उससे भागने लगी और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, तो फिर उसको तवे से मारा, उसके बाद उसका गला उसने दबा के फिर उसका मर्डर किया था। तो बच्ची किसी और को ना बता दे, इस वजह से फिर उसने मर्डर किया।